एक चेला ने एक गुरुजी से ये प्रश्न किया, गुरुदेव हमारी समझ में एक बात नहीं आती। बोले क्या? कि दुखी व्यक्ति, मैंने देखा जितने भी दुखी हैं वो भजन बहुत करते हैं, वो सत्संग करते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्कर्म करते रहते हैं, और फिर भी दुखी रहते हैं। और जो कभी मंदिर नहीं जाते, जो माँ बाप की भी नहीं मानते, वो पड़े बिस्तरों में आराम से ऐसी चल रहा है, लंबी लंबी गाड़ियां सब आनंद में, वो सुखी है। जो भजन तो छोड़ो, नाम नहीं जानते भगवान का, बड़े सुखी है। गुरुजी ने कहा कुछ दिन प्रतीक्षा करो, तुम्हें कुछ दिन बाद बताएंगे, अभी नहीं, कुछ दिन प्रतीक्षा करो, कुछ दिन बाद बताएंगे। उन्हीं महात्मा जी के यहां पर दोनों प्रकार के चेला थे, एक तो दुष्ट प्रकार के थे, होते ही हर ग्रुप में होते अच्छे और बुरे, बड़ा दुष्ट टाइप का था, कट बोलना, दूसरों को नीचा दिखाना, इनकी स्वभाव में होता है दूसरों को नीचा जरूर दिखाना चाहे कुछ भी हो जाए। और एक होते नहीं, वो हमें जो नीचा दिखा रहा हम उसको भी नहीं, अच्छा ही करना है, भगवान उसको देख लेगा, बाकी का हमें नहीं करना है। दोनों इस प्रकार के थे। गुरुजी के काम से दोनों एक जगह जा रहे थे, एक कटु स्वभाव वाला और एक अच्छा, दोनों जा रहे थे। अब कटु स्वभाव वाला, क्योंकि वो तो किसी की के साथ उसकी पटती नहीं, तो वो आगे आगे जा रहा था, उसे एक कोटली मिल गई पैसों की, बड़ा खुश हुआ। और ये जो दूसरा था, जो सबका भला करता था, गुरुजी में निष्ठा रखता था, श्रद्धा करता था, बहुत अच्छा, उसे ठोकर लगी और गड्ढे में गिर गया और उसको चोट आ गई। दोनों ही जब गुरुजी के यहां पहुंचे तो उस बच्चे ने फिर देखा, उस बच्चे ने फिर कहा, गुरुजी ये क्या, देखो ये जो दुष्ट है, जो सबको दुख देता रहता है, उसे तो भगवान ने पैसा दिलवा दिया, और ये जो बेचारा आपकी सेवा कितने मन से करता है, भजन भी बहुत करता है, स्वाध्याय भी बहुत करता है, उसे भगवान ने गड्ढे में गिरा दिया और उसको चोट पहुंचा दी। हमको लगता है भगवान अंधा है, भगवान देखता नहीं है, भगवान को सूझता नहीं है, भजनानंदी को दुखी करता है और पापी को सुखी करता है, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। आहा, ध्यान से सुनना, गुरुजी त्रिकालज्ञ थे, अंतर्यामी थे, वो जानते थे। गुरुजी ने कहा, जानते हो, पहले तो इसकी बात बताते, जो भजनानंदी है, इसकी सेवा का, इसके भजन का, इसके स्वाध्याय का, गुरु के प्रति निष्ठा का फल जानना चाहोगे क्या है? बोले क्या है? पिछले कर्मों के अनुसार आज इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, आज इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, ऐसे इसके कर्म हैं, परंतु इस जन्म में इसने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि भगवान ने इसका पिछला प्रारब्ध गड्ढे में गिराकर, थोड़ी बहुत चोट पहुंचाकर, उस भजन के प्रभाव ने इसे मरने से बचा लिया, और आज भी ये जीवित है, आगे भी अच्छा काम कर सकता है। तो बताओ, मौत अच्छी कि गड्ढा? जवाब दो। भगवान ने गड्ढे में गिरा के अच्छा किया कि बुरा? या तो मौत देते तो बोलो क्या किया भगवान ने, अच्छा कि बुरा? लेकिन ये अच्छाई हमें तो नहीं दिख रही, इसलिए हमें गड्ढे में गिरना ही बुरा लग रहा है। दूसरे की तरफ आ जाते हैं, वो जो पापी था, क्रूर स्वभाव वाला था, दुष्ट था, तो उसके लिए पूछा, इसने ऐसा क्या किया? बोले सुन, इसका प्रारब्ध बहुत अच्छा था, पिछले जन्म में इसने इतने दान पुण्य किए, कि आज इसे अथाह धन की प्राप्ति होनी चाहिए थी, आज ये किसी प्रदेश का राजा होना चाहिए था, इतने सत्कर्म इसने किए, लेकिन बचपन से लेके अभी तक इसने ऐसा दुर्व्यवहार किया है कि वो प्रारब्ध इसने अपने कर्मों से काट लिया, और जहां बहुत बड़ा धन मिलना चाहिए वहां एक पोटली में ही सबर इसको करना पड़ेगा, इससे ज्यादा इसको नहीं मिलेगा।
अब बताओ ये अच्छा न्याय है कि बुरा न्याय है, बोलो। अगर भजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई संकट आ रहा है, इसका मतलब है ठाकुर जी थोड़े थोड़े संकट देकर तुम्हें बड़े संकट से बचा रहा है, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध पीछा कर रहा है, तुम प्रारब्ध से नहीं भाग सकते। और जिन्हें तुम देख रहे हो ना गाड़ी बंगले में पड़े हुए, इनके भाग्य में कुछ और भी था, पर वो सीमित हो गए वहीं कि अब तुम यहीं तक रहोगे, इससे आगे नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि उसे बढ़ाने का काम आप उन्होंने नहीं किया। आप और हम अपने भाग्य को बढ़ाने का, जगाने का काम कर सकते हैं। वो है सेवा, वो है दीनहीनों की सेवा, वो है समाज की सेवा, वो है भगवान की सेवा, वो है गुरु गोविंद की सेवा, और वो है आत्म सेवा। भजन के द्वारा, सेवा के द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं, अपने प्रारब्ध को भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बुराई से अच्छाई की तरफ ला सकते हैं।